बिहार के औरंगाबाद और गया में आगामी 24 सितंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलने वाला है और दोनों राज्यों की सीमाओं को भी सील किया जाना है। पलामू पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता बिहार के मगध जोन के IG अमित लोढ़ा ने की। बैठक में पलामू SP चंदन कुमार सिन्हा, औरंगाबाद SP कौंतेश मिश्रा, गया के सिटी SP राकेश कुमार, पलामू ASP के विजय शंकर, कपिल चौधरी, अभियान SP BK मिश्रा, SDPO सुरजीत कुमार समेत कई टॉप अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नक्सल गतिविधियों पर चर्चा की गई, साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्यवाही की योजना भी बनाई गई। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मतदान से ठीक 24 घंटे पहले झारखंड बिहार सीमा को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए आधा दर्जन से अधिक पुलिस चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान के लिए झारखंड और बिहार पुलिस संयुक्त रूप से पुलिसिया अभियान चलाएगी। अभियान को लेकर पलामू, गया और औरंगाबाद पुलिस एक दूसरे से सूचनाओं को साझा करेंगे। इस हाई प्रोफाइल इंटरस्टेट बैठक में नक्सल गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। वहीं झारखंड बिहार के पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे के इलाके में सक्रिय नक्सलियों की सूची भी साझा की है। चुनाव से पहले बिहार सीमा पर संदिग्ध अपराधियों और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्णय हुआ है। CRPF के साथ समन्वय स्थापित कर इंटर स्टेट बॉर्डर में नक्सलियों के टॉप कमांडर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और उनको टारगेट कर कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक में बिहार मगध जोन के IG अमित लोढ़ा ने पलामू पुलिस की जमकर सराहना की। बिहार में भी पंचायत चुनाव आसन है और झारखंड राज्य से हमारे जितने भी सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, खासकर मगध प्रक्षेत्र के, वो सब नक्सल प्रभावित हैं। तो यहाँ हम हमारे पुलिस अधीक्षक पलामू और हमारे बिहार पुलिस के जो पुलिस कप्तान हैं गया के और औरंगाबाद के और CRPF के जो हमारे अफसर हैं, उन सब की आपस में समन्वय मीटिंग हुई है। और पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, बिहार झारखंड के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्रों के पुलिस अधीक्षक, उन्होंने आपस में मीटिंग्स की हैं। तो इस बारे में हमारी जो भी व्यू रचना, हमने उसको तैयार किया और हमको बहुत खुशी कि झारखंड पुलिस, खासकर पलामू के पुलिस अधीक्षक और यहाँ के उप महानिरीक्षक हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि हमारे पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वही अमित लोढ़ा हैं जिनकी लिखी पुस्तक बिहार डायरीज पर इन दिनों पलामू के अलग अलग लोकेशंस पर बिहार डायरीज नाम से ही वेब सीरीज की शूटिंग बॉलीवुड और भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों के साथ की जा रही है।